उमेश यादव जी हैं, ये परिवार जो खोया है उसकी पूर्ति कोई कर सवाल खड़ा करता हूँ कि उनकी उनका जो क्रियाकलाप रहा वो मुझे इस समय इस परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता थी वहाँ उस समय में इस परिवार से सवाल किए। दर्शकों हैं देखते होंगे वीडियो तो मनु को भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा, फैमिली है बहुत सहयोग किया है। तो आप दोस्तों हम इस समय हैं छोटू जी के घर पे, कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं उमेश यादव जी हैं और मनु जी हैं। ये जो चेहरे हैं ये चर्चित जो है अपने कार्यों को लेकर के नहीं, एक घटना इस परिवार के साथ ऐसी घटित हुई जो कि सारा समाज जान रहा है, देश विदेश में इस बात की चर्चा रही है। हम आज इन लोगों से मिल करके इस परिवार की वर्तमान स्थिति जानने का प्रयास करेंगे और एक बात पे और चर्चा छेड़ेंगे कि यही वो घर है, यही वो गेट है जहां मीडिया कर्मियों के लिए जो है वर्जित कर दिया गया था कि मीडिया कर्मी जो है नहीं आएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मनु जी आपका। थैंक यू। क्या कारण था कि मीडिया कर्मी को गेट के बाहर ही रखने का एक प्रयास रहा आप लोगों का? मीडिया कर्मी को इसलिए मतलब मना किया गया क्योंकि मीडिया कर्मी की वजह से हम जो है मतलब जेल में मतलब फंस गए थे, केस हो गया मेरे ऊपर। तो जो भी बात हो उसको आप एकदम पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ रखिए। हाँ, केस में फंस गया इसी के कारण जो है, ना मीडिया कर्मी आएगा ना उल्टा पुल्टा सवाल होगा ना ही मतलब केस में पड़ेंगे। एक तो पहले से दुर्घटना हो चुका है, ऊपर से मेरे को भी डाल दिया केस में। मान लीजिए अभी घर में कमाने वाला हम अकेले थे, उस पर से मेरे को भी डाल दिया केस में, तो फिर फैमिली मेरा फैमिली को क्या होगा। हाँ, इसके पहले जैसे अभी आप यूट्यूब पे कार्य प्रारंभ किए हैं तो इसके पहले आप क्या करते थे? हम गुजरात में रहते थे, राइस मिल में काम करते थे। तो कितना वहाँ से अर्निंग आपकी हो जाती थी? 22,000 मिलता था। 22,000 तो उससे जो है परिवार का भरण पोषण हो सकता था। छोटू की कुछ उम्मीदें थी आपसे, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? छोटे का उम्मीद तो बहुत था कि हम ये करेंगे वो करेंगे बड़े होकर। हाँ, तो हम फिलहाल जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे हम। जैसे कि अभी आपने जो है छोटू का एक सपना पूरा है तो पति पत्नी जो है चैनल भी चला रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, चैनल से अर्निंग भी हो रही है, माँ बाप को आप लोग खुश रख रहे हैं जी। तो आगे कितने चैनलों पर काम करने का एक प्रयास रहेगा? फिलहाल तो अभी दो चैनल है, दोनों चैनल पर ब्लॉगिंग चल रहा है हम लोग का, बाकी आगे देखेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल रहते हैं कि मनु जी जो है ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही करना है जी। जी, अब क्या करेंगे, अभी फिलहाल जो घटना ही ऐसा हो गया, जैसे पहले ये पता था कि दो भाई हैं कमा के कुछ करेंगे, उसका सपना बहुत बड़े बड़े थे कि घर बनाएंगे, जमीन जगह लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जमीन जगह भी नहीं है, इसीलिए अब वो तो रहा नहीं, उसका सपना सब टूट गया, तो फिलहाल उसका सपना हम साकार करेंगे। अच्छा, यूट्यूब पे आप आए हैं तो यूट्यूब से क्या आपको उम्मीद लगती है कि जो भी आपका सपना है पूरा होगा? हाँ, जो मेरा सपना, छोटू का सपना और मेरा फैमिली का सपना है वो पूरा हो जाएगा। कौन कौन सा चैनल है आपका यूट्यूब पे? एक तो आरती छोटू लव है, एक एमएस आरती का है, अभी फिलहाल दो है। तो आरती छोटू जो लव है वो तो बढ़िया चल रहा है और पुराना सबसे पुराना वही है चैनल है आपका? सबसे पुराना वही है। और एक नया चैनल जो स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किया कितना दिन हुआ है? जो एमएस आरती का है, ये मतलब हो गया 3-4 महीना हो गया। चार महीना, तो अब जो है कंटिन्यू आपको चैनल पे ही काम करना है? जी, अब कंटिन्यू करेंगे चैनल पे काम। माता पिता जी का देख रेख आप ही को करना है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अकेले रह गए तो अब तो करना पड़ेगा ही ना, पहले दो थे तो मान लीजिए मम्मी पापा को भी सहारा था कि हम दो है, अगर एक नहीं खिलाएंगे तो दूसरा जरूर खिलाएंगे। अब फिलहाल इनका भी भरोसा टूट गया तो अब तो हम ही को देख रेख करना पड़ेगा ना ज्यादा, कोई चीज का दिक्कत नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जो है मनु जी जुड़े हैं, आरती के वर्तमान पति हैं और वर्तमान ससुर आरती जी के उमेश यादव जी हैं। ये परिवार जो खोया है उसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता है और मैं यहाँ कुछ मीडिया कर्मियों पे भी सवाल खड़ा करता हूँ कि उनका जो क्रियाकलाप रहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर उसको देखा जाए तो अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस समय इस परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता थी वहाँ उस समय में इस परिवार से सवाल किए जा रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे दोषी यही परिवार है। हाँ, ऐसे टोचर, क्यों? ऐसे टोचर कर रहे थे कि दोषी यही परिवार है। हाँ, हम ही लोग को मतलब टोचर कर रहे थे। हाँ, अब बाकी तो आप पूरा पब्लिक जानवे करते हैं कि क्या स्थिति है ये लोग का।
चलिए आगे जो भी होगा भविष्य आपका उज्जवल है। अगर कोई कुछ होता है, परमात्मा किसी से कुछ लेता है तो परमात्मा उसको देने का एक नया रास्ता बनाता है, समझ रहे हैं बात सही। तो उम्मीद यही करने मेरा कहना है कि जो भी दर्शकों हैं देखते होंगे वीडियो, तो मनु को भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा चाचा जी, अभी तो ये जो है यमस आरती आरती छोटू लव, ये दो चैनल जो है आरती का ही मान लीजिए, आरती का ही मान लीजिए। मनु का चैनल कब आएगा? मनु का चैनल हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा मान लीजिए। हाँ हो जाएगा। सुनने में आया है या फिर हम ये चाहते हैं कि चाचा जी का भी चैनल हो? अभी हो जाएगा, फिलहाल अभी जो है स्थिति के तौर पर आप देखते हैं। क्योंकि जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आपको जो है एक नया रास्ता मिल सकता है, लगता है आपको? लगता है। चलिए, तो सभी दर्शकों से उम्मीद यही करते हैं कि मनु भाई के चैनल का इंतज़ार करिए, चाचा जी के चैनल का इंतज़ार करिए, और जो इनका वर्तमान का चैनल है यम एस आरती का और आरती छोटू लव, इन दोनों चैनल पर खूब प्यार बरसाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रिक्वायरमेंट है आप लोगों के सहयोग की। तो इस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई खुशखबरी के साथ, और उस खुशखबरी में आप जो है हम लोगों को उस खुशखबरी से अवगत जरूर कराएंगे। जरूर जरूर। चाचा जी की हमारी कुछ जो है डील हुई है, तो चाचा जी अभी ओपिनियन नहीं देना है उस पर, और जब भी बिल्कुल आप लोग से मिलते रहेंगे। हाँ बात करते रहे। हाँ, तो जब नई खुशखबरी इस परिवार में आए, चूँकि इन लोगों को आवश्यकता है, इस परिवार में एक छोटे से बच्चे की जरूरत है। जितना भी यूट्यूबर फैमिली है बहुत सहयोग किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हमारा तो निवेदन देखिए यही